मेरी सोच। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें इक्विपमेंट चाहिए, स्ट्रिंग स्टिक, वन माउंट, मेजरिंग सिलेंडर, फूड कलर, मटेरियल किट भी शामिल चाहिए, फूड कलर, सी सैंड एंड स्लिंग फ्लिक्स, मटेरियल फ्रॉम होम, वाटर, माइक्रोवेव और पैन। ये तो मैंने आपको बता दी थी इस एक्सपेरिमेंट में कितनी चीज़ें चाहिए वो भी। और अभी इस एक्सपेरिमेंट में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि आप भी तो बहुत एक्साइटेड होंगे, तो आप भी ट्राई करिएगा। और इस जो मैं आपको स्टेप बताता हूँ वो आप स्टेप फॉलो कीजिएगा और आपका बहुत बहुत अच्छा साबुन बनेगा। सो तो अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप, तो इसमें हमें ग्रिसलिंग फ्लिक्स को छोटे छोटे पीसेस में करके मेजरिंग सिलेंडर में डाल देना है। अब इस ग्रिसलिंग फ्लिक्स को हमें छोटे छोटे पीसेस में करके मेजरिंग सिलेंडर में डाल देना है। सेकेंड स्टेप, तो ये जो आपको ग्रिसलिंग फ्लिक्स दिख रहे हैं, तो आप इस ग्रिसलिंग फ्लिक्स को मेल्ट करना है हमें इसको। और आपके पास दो ऑप्शन हैं, माइक्रोवेव और गैस। मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, तो मेरे पास गैस है, तो गैस में हम इसको मेल्ट करेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल ही गया, माइक्रोवेव में हमें 10 सेकेंड के लिए मेल्ट करना है, और गैस के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो अब हम अपने किचन में आ चुके हैं, तो अब हम इसे अपना मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया, तो हम इसे अपना मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने क्रिस्टल फ्लिक्स को रख दिया है मेल्ट। अब जब तक आपका ये मेल्ट ना हो जाए तब तक आप इसको मेल्ट करते रहिए। तो जब तक ये मेल्ट होता है तब तक हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। आप इस क्वेश्चन आंसर्स का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन के बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऐसा क्या है वो मैं यही बता देता हूँ मैं आपको कि वो किचन से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड है। और फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हमें तोड़ना पड़ता है फिर ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं। थर्ड स्टेप, तो हमें मैंने ये ग्रिसलिंग को मेल्ट कर लिया। अब हमें इस ग्रिसलिंग के लिक्विड को अब हमें माउंट में डाल देना है। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, तो मैं इसके अंदर रेड कलर डाल रहा हूँ। हमें जो भी कलर डालना है वो बस हमें वन ड्रॉप ही डालना है। मैंने ये सीसेंट यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस सीसेंट को, हमें याद रखिएगा कि हमें इस सीसेंट को 4 ड्रॉप डालना है। अब हमें स्ट्रिंग फ्लिक्स की मदद से इसको मिक्स करना है। तो अब हमने मिक्स कर लिया, तो अब हमें इसको फ्रीजर में रखना है। मैं इसको फ्रीजर में रख देता हूँ। अच्छा, सूप बन के तैयार हो गया, चलो इसे टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ 3 हो चुके हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आप जो मैंने आप
आपसे क्वेश्चन पूछा वीडियो में, तो उस वीडियो को आप कमेंट सब्जेक्ट का आप कमेंट सेक्शन में बताना, और जो नेक्स्ट डालेंगे उसमें हम जिसका भी आंसर सही और जिसने भी भेजा होगा उसका नाम हम लेंगे। और भूलना मत कि सब्सक्राइब भी करना है।